नमस्कार, आप देख रहे हैं KAM न्यूज। पीएम मोदी रविवार को अलग अलग परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए महाराष्ट्र पहुंच गए। पीएम सुबह ही नागपुर पहुंच गए, जहां उन्होंने नागपुर से बिलासपुर के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 520 किलोमीटर लंबी बालसाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्ध महामार्ग से पहले चरण का भी उद्घाटन किया, जो नागपुर और सिड्डी को जोड़ता है। मंत्री जी, वन्य प्राणी जो है उनके लिए भी अंडर पास और ओवर पास हमने की, क्योंकि वन्य जीव जो है उनका लाइफ डिस्टर्ब न हो, उनको जंगल का फील आवे, इसके लिए कोई कसर हमने छोड़ी नहीं। सभी लोगों का ध्यान रखते हुए ये समृद्धि महामार्ग आज इस कगार पर पहुंचा है। शिरडी तक हुआ है, आगे एक साल के अंदर 8-10 महीने में मुंबई तक ये समृद्धि महामार्ग पहुंचेगा। एक सिर्फ हाईवे नहीं है, एक ये गेम चेंजर प्रकल्प है। ये हमारे महाराष्ट्र की समृद्धि जो हाईवे है, ये महाराष्ट्र की भाग्य रेशा बदलने वाला ये समृद्ध हाईवे कहलाएगा। आज महाराष्ट्र के विकास के लिए 11 सितारों के महान नक्षत्र का उदय हो रहा है। पहला सितारा हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, जो अब नागपुर और शिरडी के लिए तैयार हो चुका है। दूसरा सितारा नागपुर एम्स है, जिसका लाभ विदर्भ के एक बड़े क्षेत्र के लोगों को होगा। और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए देखते रहें KAM न्यूज। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।